नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस बार परीक्षा में पैटर्न में कुछ बदलाव भी किया गया है, कुछ चेंजेज भी किए गए हैं। तो बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि क्या परिवर्तन किया गया है, ओल्ड पैटर्न क्या था, न्यू पैटर्न अब क्या हो चुका है। तो इसी चीज़ को बारीकी से समझाने के लिए यह वीडियो आप लोग के सामने ले किया है। देखिए, लास्ट फेज में अगर आप लोग परीक्षा दिए होंगे तो देखे होंगे कि दो दिन आपको परीक्षा संचालित की गई थी। एक दिन स्पेशली लैंग्वेज पेपर के लिए आप लोग को जाना पड़ा होगा। इस बार उसी परेशानी को दूर करने के लिए लैंग्वेज पेपर को क्या किया गया है, पेपर वन के साथ ही मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। अब क्या होगा, कुल 150 प्रश्नों का क्या होगा, एक पेपर होगा। और ये प्रश्न पत्र आपको तीन सेक्शन में, तीन खंड में क्या होंगे, बटे होंगे। पहला जो सेक्शन होगा वो आपको लैंग्वेज पेपर होगा, लैंग्वेज पेपर में आपका हिंदी और इंग्लिश होगा। दूसरा जो सेक्शन होगा वो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का सेक्शन होगा। और तीसरा जो सेक्शन होगा वो आपका जो विषय चुनते हैं उस सब्जेक्ट का क्या होगा, सेक्शन होगा। यानी कि एक ही प्रश्न पत्र में तीन खंड बटा होगा, लैंग्वेज पेपर का, सामान्य अध्ययन का और विषय का बटा होगा। अगर हम लोग देखें कि क्वेश्चन का संख्या कितना होगा, प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, तो लैंग्वेज से आपको कितना पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, जिसमें से 22 प्रश्न कहाँ से रहेंगे, हिंदी से, और 8 प्रश्न किससे रहेंगे, अंग्रेजी भाषा से पूछे जाएंगे। चूंकि यह क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका अंक आपका नहीं जुड़ेगा। इसमें पास मार्क्स कितना लेना है, मात्र 9 अंक लाना है। यानी कि 30 अंक का जो यह आपका लैंग्वेज पेपर है, इसमें 9 नंबर आपको लाके क्या करना है, क्वालिफाई करना है। सेकेंड सेक्शन आपका क्या है, जनरल स्टडीज है, जो पूर्ववत ही रहा, जो जीएस पेपर का जो क्वेश्चन था 40, वो 40 ही रहेगा। और विषय से आपको कितने पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के कितने हो गए, 80, 40, 120, और 30 कितना हो गया, 150 नंबर का रहेगा। इसके बाद लेकिन मेरिट देखिएगा, यह लैंग्वेज पेपर से नहीं बनेगा। मेरिट आपका किससे बनेगा, तो जीएस से बनेगा और सब्जेक्ट से बनेगा। यानी कि जीएस के 40 प्रश्न और सब्जेक्ट से 80 प्रश्न, यानी कि कुल 120 अंक का क्या रहेगा, मेरिट रहेगा। लैंग्वेज पेपर से कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं टाई ब्रेकिंग, ये काफी महत्वपूर्ण है। टाई ब्रेकिंग है क्या, अगर मान लीजिए दो कोई छात्र हैं जिनका समान अंक आ गया, उस परिस्थिति में किस छात्र को क्वालिफाई किया जाए, किस छात्र को आपको मेरिट में लाया जाए, तो ये काफी समस्या थी। तो इसके लिए पहले क्या किया जाता था, दो मानक लिया जाता था। पहला मानक था डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए कोई राम और श्याम है, दोनों का अंक समान हो गया, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा उसको मेरिट में ले लिया जाता था। और सेकेंड क्राइटेरिया रखा जाता था वो है अल्फाबेटिकल नाम का। जैसे मान लीजिए राम है और श्याम है, तो आर पहले आ रहा है, एस बाद में आ रहा है, तो आर वाले को क्या किया जाता था, क्वालिफाई कर दिया जाता था। अब नए पैटर्न में क्या कर दिया गया है, नए पैटर्न में तीन मानक रखा गया। मान लीजिए दो छात्र हैं राम और श्याम, इनका अंक समान आ गया, तो देखा जाएगा कि दोनों छात्र में से किसका विषय में नंबर ज्यादा है, जिसका सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा होगा उसको क्या किया जाएगा, क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इनके सब्जेक्ट में भी क्या है, टाई हो गया। तो सेकेंड हम देखेंगे लैंग्वेज पेपर, कि भाषा में लैंग्वेज पेपर में किसका अंक ज्यादा है, जिसका लैंग्वेज पेपर में अंक ज्यादा होगा उसको क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पॉइंट नोट कीजिएगा कि लोग सोचेंगे कि 30 अंक का लैंग्वेज पेपर है, 9 नंबर ला के हम क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि इसमें भी ज़्यादा नंबर लाए, ताकि अगर टाई हो जाता है तो जो दूसरा मेरा मानक है वो आपका क्या है, लैंग्वेज पेपर, उसका नंबर वहाँ पर काउंट हो जाएगा। और तीसरा, अगर ये दोनों से भी नहीं हुआ तो जो पुराना पैटर्न है डेट ऑफ बर्थ और अल्फाबेट, इसको देखा जाएगा। तो यहाँ पे अब मेरिट के आधार पर टाई ब्रेकिंग हटाया जाएगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करेगा, जिसका विषय में ज्यादा नंबर होगा उसका टाई ब्रेकिंग उससे डिसाइड किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो अब एक ही पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है, और 2.5 घंटे का यह एग्जाम है। एक पेपर कितने सेक्शन में बांटा होगा, 3 सेक्शन में बांटा होगा। पहला सेक्शन लैंग्वेज पेपर होगा जो 30 अंक का होगा, जिसमें से 22 किससे होगा, हिंदी से, और 8 किससे होगा, अंग्रेजी भाषा से होगा।
इसमें अगर आप 9 अंक ले आते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा सेक्शन किसका रहेगा? सामान्य अध्ययन का रहेगा। और कहा गया है कि जीएस का जो पेपर है वह एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। जो अध्यक्ष महोदय का आदेश है वो साफ साफ कहे हैं कि जो एग्जाम का जो स्तर है, क्वेश्चन का स्तर है, वह एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। लेकिन एक लाइन वो और भी मेंशन किए हैं कि एनसीईआरटी आधारित तो रहेगा लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा। इट मीन्स क्या है, यदि आप सोचते हैं कि केवल हम एनसीईआरटी पढ़ के चले जाएं और क्वालिफाई कर जाएंगे, ये संभव नहीं है। आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा। इट मीन्स एनसीईआरटी को बहुत डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा या उसमें जो भी टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। और तीसरा आपका सब्जेक्ट तो है ही, तो इस चीज़ों को देखते हुए आज से ही तैयारी में लग जाइए, बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन तैयारी करना तो हम लोग दोनों मोड में तैयारी करवाते हैं, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में आप प्ले स्टोर से अरोमा क्लासेस ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से बीपीएससी टीचर की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे। और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है समस्तीपुर में है, यहां पर आकर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो इस बेहतरीन मौका को ना चूके और जल्द से जल्द हमारे बेहतरीन बैच से जुड़ जाए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी। Thank you.